Okay, in this video, I am continuing with some more integration के shortcuts. अगर आप हमारा channel देखोगे Sharpfield Tutorials का, तो इसका first part मैं पहले ही डाल चुका हूँ integration के shortcuts का. तो पहले वो वाला part refer कर लो if you wish to. However, ये shortcuts independent है. पार्ट वन में इट्स जस्ट अ रिकलेक्शन फॉर एवरीबडी. पार्ट वन में हमने कौन से शॉर्टकट्स देखे थे? तो पार्ट वन ने तुम्हारा 4.4 हैंडल किया था, 4.5 हैंडल किया था, 4.6 हैंडल किया था ऑफ योर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक विद रिस्पेक्ट टू शॉर्टकट्स. चलो लेट्स कम डाउन टू टुडेज मीटिंग. आज हम लोग हैंडल करने वाले हैं सबसे पहले तो 4.3. 4.3 के दो टाइप के सम्स होते हैं. पहला होता है इंटीग्रेशन ए ई रेस टू एक्स प्लस बी अपॉन सी ई रेस टू एक्स प्लस डी डीएक्स. अगर तुम्हारा क्वेश्चन ये हुआ, इस फॉर्मेट का हुआ, तो यू कैन राइट द आंसर डायरेक्टली. दैट इज, अब ध्यान से देखना, ई रेस टू एक्स का कोएफिशिएंट्स पहले ही रखना, ए अपॉन सी, अपर कोएफिशिएंट अपॉन अपर कोएफिशिएंट, ई रेस टू एक्स का अपॉन ई रेस टू एक्स का, माइनस बी अपॉन डी, सेकंड अपॉन सेकंड कोएफिशिएंट. ए अपॉन सी माइनस बी अपॉन डी के साथ लगा देना लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब लॉग ऑफ सी ई रेस टू एक्स प्लस डी प्लस. अब सिर्फ कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, मतलब बी अपॉन डी, इसके साथ चिपकाना सिर्फ एक्स एंड डन. प्लस के, एक जो लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है. तो ओवरऑल देखोगे तो ये तुम्हारे इस वाले पैटर्न का शॉर्टकट है. उसी तरह इसी 4.3 में एक टाइप ऑफ सम ये भी होता है कि इट इज इंटीग्रेशन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स. ये जो होता है इसके पास भी डायरेक्ट शॉर्टकट होता है. अब समझो कि इसमें क्या करना है. व्हाट यू हैव टू डू इन दिस, जब ऐसा सम आए ना, मेक अ ब्रैकेट अप अपॉन अप इनटू डाउन, मतलब ए सी प्लस वापस अप इनटू डाउन बी डी, ए सी प्लस बी डी अपॉन डिनोमिनेटर का पाइथागोरस, दैट इज कोएफिशिएंट्स का सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, इसके साथ लगा देना एक्स प्लस आई विल से माइनस, सॉरी टेक माइनस. अब ऐसा मानो कि ये एक डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ए बी सी डी, तो माइनस के बाद डिटर्मिनेंट की वैल्यू ले लो, दैट इज ए डी
minus BC. AD minus BC. और अपॉन में वापस वही डिनोमिनेटर का पाइथागोरस सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर और इसके साथ लगा दो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस के. गेटिंग? तो इस तरह के ये दो शॉर्टकट्स आपके हैं. यू कैन से यू कैन रिमेंबर दीज टू शॉर्टकट्स वेरी इजीली. कोई डिफिकल्ट पैटर्न नहीं है याद रखने के लिए और बहुत हेल्प करेगा आपको इसका आंसर डायरेक्टली लिखने के लिए. ओके नाउ इसमें स्टूडेंट कभी कभी पूछता है कि सर हल्का सा वेरिएशन आया तो जैसे सम आया इंटीग्रेशन 6 e^3x माइनस 4 अपॉन 5 e^3x प्लस 7 dx ऐसा आया तो अब इसमें वेरिएशन क्या है तुम बताओ. जो शॉर्टकट मैंने तुम्हें दिया उसमें e के पावर में x था और ये जो मैंने तुम्हें दिया इसमें e के पावर में 3x है. कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा. अपना शॉर्टकट लगाना स्टार्ट करो बस फिर मैं आपको फर्क आराम से समझा दूंगा. तो क्या शॉर्टकट था? अप अपॉन अप अप कोएफिशिएंट अपॉन 5 माइनस माइनस 4 अपॉन 7. भूलना नहीं कि ये कोएफिशिएंट खुद माइनस 4 है. ब्रैकेट बंद और इसके साथ लगा दो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर मतलब लॉग ऑफ 5 e^3x प्लस 7. अब प्लस सेम कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट तो वो आएगा माइनस 4 अपॉन 7. तो यहां माइनस 4 अपॉन 7 और इसके साथ लगा दो x प्लस k. हाँ अब इस e के पावर 3x का इफेक्ट तो इस पूरे रिजल्ट को डिवाइड बाय 3 मार दो दैट इज x का कोएफिशिएंट हो गया. दैट्स योर आंसर. अब अगला स्टेप तो सिर्फ आपको इसे LCM लेना वगैरह सिखाएगा. जैसे ये हुआ 42 ये प्लस हो गया 42 प्लस 20 62 अपॉन 35 62 अपॉन 35 और ये अपॉन का 3 भी है तो 62 अपॉन 35 3 105 और इसके साथ लग गया लॉग ऑफ 5 e^3x प्लस 7. फर्दर आया माइनस 4 बाय 7 x प्लस k सॉरी 4 बाय 7 इंटू 3 ये अपॉन वाला 3 का इफेक्ट उधर भी आएगा तो 7 अपॉन 21 एंड दैट विल बी योर आंसर. आई होप इस e के पावर 3 का इफेक्ट समझा. ओके नाउ इसी तरह तुम्हारे पास कुछ यूवी रूल के शॉर्टकट्स भी हैं. यूवी रूल शॉर्टकट्स ये भी हैं अपने पास. लेट्स प्लान आउट क्या यूवी रूल शॉर्टकट्स. ऐसे तो बहुत सारे होते हैं जितने मैं आपको लिमिटेड दे पाऊंगा उतना तो पढ़ो. जस्ट गिव मी अ मोमेंट आई एम जस्ट चेकिंग अप माय पेन. थोड़ा सा अटक रहा है. चलो कोई बात नहीं. नाउ जो बच्चों ने भी अपने इंस्टीट्यूट्स में यूवी रूल पढ़ा है उन लोग ने यूवी रूल के लिए एक स्पेलिंग पढ़ी है कॉल्ड आई लेट.
या लिएट, जो भी पढ़ो, ये जो इस स्पेलिंग के आई लेट, इस स्पेलिंग के नीचे के तीन अल्फाबेट्स होते हैं उसमें शॉर्टकट्स होता है, पॉसिबल है। जैसे सपोज मैंने कॉम्बिनेशन लिया ए और टी का, पर कोई ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, इट शुड बी सिंपल एम एक्स वाले फंक्शंस। और मैंने इंटीग्रेशन पूछा लेट अस से एक्स क्यूब इंटू साइन फोर एक्स डीएक्स। अब आईलेट की स्पेलिंग से तुम्हें इतना तो मालूम ही है कि ए पहले आता है, इसीलिए एक्स क्यूब कहलाएगा यू और साइन फोर एक्स कहलाएगा वी। तो इसका इंटीग्रेशन करने का शॉर्टकट कुछ ऐसा, यू तुम्हें लिखना है एज इट इज और वी तुम्हें लिखना है इंटीग्रेट करके। तो यू मैंने एज इट इज लिखा, मतलब एक्स क्यूब लिख दिया। V मैंने इंटीग्रेट करके लिखा, मतलब आई रोट माइनस कॉस फोर एक्स अपॉन फोर। अब मैं ये u वाली साइड का डेरिवेटिव करता गया, थ्री एक्स स्क्वेयर, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 6x, इसका डेरिवेटिव 6, और ये वाली साइड का इंटीग्रेशन करता गया। तो माइनस कॉस फोर एक्स बाय फोर का इंटीग्रेशन आएगा माइनस साइन फोर एक्स बाय 16, फिर इसका इंटीग्रेशन आएगा कॉस फोर एक्स बाय 64, और फिर इसका इंटीग्रेशन आएगा साइन फोर एक्स बाय 256। That's it. जितने टर्म्स U के साइड पे लिखे उतने ही टर्म्स V के साइड पे लिखने, और साइड में अज्यूम करना है अल्टरनेट प्लस माइनस, ये भी अपनी तरफ से डालना है तुम्हें। हो गया तुम्हारे इस UV रूल का आंसर। अब इस UV रूल का आंसर देखो कैसा आएगा। What is answer of integration x cube sin 4x? Begin with your first term. तो ये प्लस है पर इस पूरे में साथ में माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आएगा माइनस एक्स क्यूब कॉस फोर एक्स डिवाइड बाय फोर, फिर ये लाइन, तो ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर साइन फोर एक्स डिवाइड बाय 16, देन दिस इन टू दिस, तो ये अभी भी प्लस है, प्लस देखो 6x cos 4x अपॉन 64, 6x cos 4x अपॉन 64, फिर वो कटिंग होती है 6 और 64 की, वो आप कर ही लोगे, फिर लास्ट लाइन माइनस 6 sin 4x अपॉन 256, ये लास्ट लाइन थी, खत्म हो गई, आखिरी में डाल दो प्लस के, खत्म। ये इस यूवी रूल का डायरेक्ट आंसर। इसी सिमिलर लेवल पे होगा एलजेब्रिक इनटू एक्सपोनेंशियल, ये तुम लोग खुद से भी कर सकते हो अभी। जैसे अगर मैंने इंटीग्रेशन पूछा एक्स रेस टू फोर ई रेस टू टू एक्स डीएक्स, इसका अभी भी आईलेट के हिसाब से पहला आदमी यू है, मतलब एलजेब्रिक, और ये वी है, फिर हमने डिसाइड किया था यू एज इट इज, तो एक्स रेस टू फोर, वी इंटीग्रेट करके तो ई रेस टू टू एक्स अपॉन टू। अब इसका यू वाली लाइन का डेरिवेटिव लेते गए 4x क्यूब, और इसका इंटीग्रेशन,
e raised to 2x upon 4, फिर इसका डेरिवेटिव 12x स्क्वायर, फिर इसका इंटीग्रेशन e raised to 2x upon 8, फिर इसका डेरिवेटिव 24x, फिर इसका इंटीग्रेशन e raised to 2x upon 16, फिर इसका डेरिवेटिव 24, फिर इसका इंटीग्रेशन e raised to 2x upon 32, डन, क्योंकि 24 का डेरिवेटिव फिर 0 आएगा. अल्टरनेट प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. और जिस तरह से तुमने ये वाले क्वेश्चन का ये लंबा सा आंसर लिखा था, इसका भी वैसे ही हो जाएगा. है ना शॉर्टकट, एकदम सिंपल. लेट्स लर्न थर्ड शॉर्टकट, दैट इज ट्रिगो इनटू एक्सपो. इसके रेडीमेड फॉर्मूलेज हैं. अब देखो, सपोज किसी ने पूछा कि व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ e raised to ax sin bx. तो a और b कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कांस्टेंट. तो इंटीग्रेशन e raised to ax sin bx dx का आंसर देखो कैसा आएगा. इट विल बी e raised to ax अपॉन कोएफिशिएंट्स का पाइथागोरस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट e के पावर में x का कोएफिशिएंट और क्वेश्चन की ट्रिग्नोमेट्री साइन. फिर साइन का इंटीग्रेशन का सिग्नेचर, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस में आता है, माइनस कॉस, इसीलिए माइनस. साइन बी एक्स का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस बी एक्स, और इस क्वेश्चन में x का दूसरा कोएफिशिएंट b, पहला कोएफिशिएंट मैं यहां ले चुका हूं, दूसरा कोएफिशिएंट b इसके साथ खत्म, दैट्स इट. प्लस c या प्लस k, वो तुम्हारी मर्जी है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. जिस तरह इंटीग्रेशन e raised to ax sin bx होता है, उसी तरह इंटीग्रेशन e raised to ax cos bx होता है. तो इंटीग्रेशन e raised to ax cos bx इज इक्वल टू e raised to ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू, सेम स्ट्रेटजी, सेम क्वेश्चन में e के पावर में x का कोएफिशिएंट a, फिर क्वेश्चन में दी हुई ट्रिग्नोमेट्री cos bx, तो a cos bx, फिर कॉस का इंटीग्रेशन आंसर का सिग्नेचर, तो कॉस का इंटीग्रेशन पॉजिटिव आता है, प्लस कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन एंगल वाई बी एक्स, और क्वेश्चन में एक्स का दूसरा कोएफिशिएंट बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी. तो ये इसका शॉर्टकट. इसके अलावा ट्रिगो इनटू एक्सपो का कोई और शॉर्टकट नहीं है. याद रखना, ये पूरा जो मैं आपको दे रहा हूँ ये ओनली विद रिस्पेक्ट टू सीईटी है. इसके भरोसे जेई में नहीं जा सकते. जेई के पास तो बहुत ज्यादा वैरायटीज होती है. ओके, नाउ सपोज अपनी सिचुएशन ऐसी है कि न्यूमरेटर में कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर में मेरे पास दो फैक्टर्स हैं जिनमें एक्स का कोएफिशिएंट सेम है, ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस सी डी एक्स, इस तरह का सम है. तो क्या करने का, दोनों के कॉन्स्टेंट्स पिकअप करने का सिग्नेचर के साथ. तो आई विल से प्लस बी प्लस सी, उनका सब्सट्रैक्शन मतलब बी माइनस सी मल्टीप्लाई डिवाइड कर देने का, तो वन अपॉन बी माइनस सी, तो न्यूमरेटर में भी बी माइनस सी और अपॉन में तो आ ही रहा है ए एक्स प्लस बी ए एक्स प्लस सी डी एक्स.
अब इस पहले वाले b के पीछे मैंने ax को ऐड कर दिया, तो देखो ये वाला ब्रैकेट ऊपर दिखने लग गया, और ये जो मैंने ऐड किया इसको एंड में कॉम्पनसेट कर दिया सब्ट्रैक्ट करके। मैंने क्या किया, मैंने ना तुम्हारा पार्शियल फ्रैक्शंस करने का स्टेप बचा लिया। नाउ ये ax प्लस बी गया एक ब्रैकेट में, इन दोनों में से माइनस कॉमन आया और ax प्लस सी। डिनोमिनेटर में यू हैव अ ax प्लस बी इंटू ax प्लस सी dx, और अब न्यूमरेटर स्प्लिट कर दो। तो न्यूमरेटर स्प्लिट कर दिया तो मुझे मिला 1 अपॉन ए एक्स प्लस सी माइनस 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी। सिंपल, अब दोनों का इंटीग्रेशन मेरा लॉग के फॉर्म में आएगा, दैट इज log of ax plus c upon a minus log of ax plus b upon a plus k। बिलीव मी, अगर आप इसमें पार्शियल फ्रैक्शन में जाओगे तो स्टेप्स विल बी लिटिल मोर, ये ज़्यादा ईजी है। गेटिंग, तो ये तुम्हारा दो ब्रैकेट वाला पार्शियल फ्रैक्शन का शॉर्टकट। इंटीग्रेशन पार्ट टू के लिए इतना काफी है।